हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की मांग के साथ एक बार फिर किसान सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आज किसानों ने कुरुक्षेत्र के पिपली स्थित ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठे होकर रणनीति बनाई और मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इकट्ठे हुए थे और देवीलाल पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। हालांकि इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन नहीं दिया था, इसके बावजूद किसानों की अच्छी खासी तादाद यह बताने के लिए काफ़ी है कि चाहे सरकार भाजपा की आ गई हो, लेकिन किसान अपना संघर्ष यूं ही जारी रखेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के बाद मीडिया से बातचीत में किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को भी रद्द करे, नहीं तो किसान अपने आंदोलन को और विस्तृत रूप देंगे। किसान पहुंचे थे यहाँ सीएम आवास पर और आपने ज्ञापन लिया है, क्या मांगे हैं उनकी? और देखिए, उन लोगों की कुछ तो 13 मांगे उन लोगों ने कल वहाँ पर दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वहाँ पर मीटिंग हुई थी, और कुछ आज और एडिशनल मांगे इन लोगों ने दी है, जो अभी पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ही मैं उसके बारे में रिएक्ट कर पाऊँगा। मेरा मेन इन लोगों को आश्वासन देना था कि इन्होंने जिस भाव से ये मांगे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने के लिए कहा है, वो उसी भाव से उनके समक्ष रखी जाए। कब तक मीटिंग की बात कह रहे हैं? किसानों की मुख्य मांग तो एक ही है कि पराली को लेकर है, उसको लेकर बड़ी जल्दी उसके बारे में आपको निर्णय बता दिया जाए। यहाँ सीएम निवास पे कुरुक्षेत्र पहुँचे थे, ये यहाँ सीएम कुरुक्षेत्र। हाँ जी, ये हमने प्रस्ताव पास कराया, सारे उसमें मुद्दे किसानों के रखे गए, चाहे वो मुकदमे के हो, पराली के, डीएपी के, कर्ज मुक्ति के, सभी बिजली बिल, पराली बिल, सभी पर उनका प्रस्ताव पास किया गया। और आज हम यहाँ मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिलने के लिए पहुँचे हैं देवीलाल पारकपुर क्षेत्र में, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी संयुक्त किसान मोर्चा को कोई जानकारी नहीं दी गई भाई मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं या नहीं है, आपसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपका मेमोरेंडम में कोई बातचीत करेंगे, अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। 28 तारीख को जिन्होंने जो हमने फैसला लिया था मुख्यमंत्री जी से मिलने का, उनके आवास पर आने का पंचायत के रूप में, अब हम उनके आवास पर जा रहे हैं और पंचायती तौर पे, और आज पूरा एक अनुशासन रहेगा पंचायतियों का और हम उनके आवास की तरफ अब कुछ करेंगे और वहाँ उम्मीद करते हैं भाई पंचकूला चंडीगढ़ कोई घनी दूर नहीं है भाई। मांग क्या है? मांग हमारी है जो डीएपी खाद नहीं मिल रहा, सिर फोड़े जा रहे हैं, पराली जलाने में तीन तीन तरह की किसान को सजाई दी जा रही है, जैसे उन्हें मुकदमे, जुर्माना, उनका पोर्टल रेड कर देना, इस तरह का ये ज़्यादा इसमें रहेगा, तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इनके लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दर्शन जी, आप क्या बताएं, कुरुक्षेत्र आए हैं? संयुक्त किसान मोर्चा का आज यहाँ आह्वान है, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से इनके साथ एकजुटता, सॉलिडरिटी प्रकट करने आया हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली आंदोलन के बाद कि जैसे जैसे संगठन इकट्ठे हुए हैं उनको ताकत भी मिली है, उनको कामयाबी भी मिली है, और हरियाणा के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बाद मिलकर लड़ रहे हैं, और मिलकर लड़ने के बाद ही मैं ये जानता हूँ कि इनके जो भी मुद्दे होंगे वो इमीडिएट हों, जैसे अभी पराली के साथ या पैडी के साथ या डीएपी के साथ जुड़े हुए हैं, और बड़े मुद्दे भी हैं, कर्जा मुक्ति का, ज़मीनों का मुद्दा है, उसके लिए भी लड़ाई जैसे ही ये लड़ेंगे इनको ज़रूर, चाहे वो हरियाणा सरकार के साथ हो या हम पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान और बाकी देश के किसान मिलके, क्योंकि हरियाणा की ताकत हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी ताकत है, और पूरे देश के किसान ही नहीं, पूरे लोग पंजाब और हरियाणा के किसानों और किसान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ देख रहे हैं कि ये लोग आगे लगेंगे, लड़ाई होगी और किसानों और मजदूरों की और लोगों की मुक्ति दोबारा शुरू हो सकता है। हरियाणा से किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे मुद्दे पेंडिंग हैं, हम लगातार अपने इश्यूज को दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को, वो मान नहीं रहे हैं, और ये आंदोलन दोबारा क्या होगा ही होगा, आंदोलन तो कंटिन्यू रहता है,
एकता थोड़ी टेम्परेरी है। एसकेएम में जो पहले गुट थे उनकी कमी हुई है पहले से? नहीं नहीं, हमारा ताकत संयुक्त किसान, मैं अभी दक्षिण भारत से लौटा हूँ, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया लेवल में ताकतवर हुआ है। जो हमारे संगठन ऑलरेडी जैसे किसान मजदूर मोर्चा है पन्नू पंधेर का, ये पहले भी हमसे अलग बैठे थे, लेकिन एक आध संगठन अगर नहीं है तो उससे अलावा डजन संगठन हमारे नए जुड़े। आपने कहा कि किसान आंदोलन का फायदा नहीं उठा पाई कांग्रेस? चलो चलो, नहीं नहीं, वो मैं बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, किसान आंदोलन ने एक माहौल तैयार किया है, पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार किया है, उसका आम आदमी पार्टी ने पंजाब में फायदा उठाया, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हरियाणा में फायदा नहीं उठा।